उधार लिए पैसे, कर्जदार रहे परेशान, दे रही धमकी, खबर शिवपुरी से आ रही है। खबर एसपी ऑफिस से है, जहां एक युवक ने दो लोगों से उधार पैसे लिए थे, जिसके एवज में उसने दोनों व्यक्तियों को कई गुना राशि भी वापस कर दी। इसके बावजूद अभी लाखों रुपए की मांग करने और युवक ने ब्लैंक चेक भी दिए थे, जिसके चलते मनमानी राशि भर के बैंक में लगाने की धमकी भी दे रहे हैं, जिसके चलते युवक ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा है। कमला में श्रीलाल का बात, क्या समस्या लेके आया? समस्या ये था, मैंने कुछ लोगों से पैसा उधार लिया था। आरक्षक है रविदान शर्मा, अंकित मोबाइल से लिया था, चंदेल 30,000 उनसे लिया था, उसकी वजह में उन्होंने मुझसे ब्लैंक चेक ले लिए थे। और ब्याज की बात ये थी कि तो हमारा तो 3% ब्याज है, और 3 का बोल गया, अब 30 का ब्याज बताने लगे, पेनल्टी भी ले रहे हैं मुझसे। मैंने करीब 2,00,000 रुपये उनको दे चुका अपने पैसों का, और 2,50,000 रुपये की और मांग कर रहे हैं मेरे। मैंने कल उन्होंने बुला के समझाया भी, बोला हम तो दे चुके पूरा, मूल मूल भी दे चुके, ब्याज भी दे चुके, फिर भी आप नहीं अगर मानते तो हम मूल आपको और लौटा देंगे। क्यों उसकी वजह में हमको समय चाहिए, वो समय देने को भी तैयार नहीं था। वो फोन पर धमकियाँ देते हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उनकी, सारा कुछ है। धमकी किस चीज़ की दे रहा है? धमकी देते हैं कि हम नंगा नाच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, चेक लगा देंगे, फलाना कर देंगे, ढंगाना कर देंगे। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई उपचार नहीं। क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं साहब, बैठ गए, मेरे निष्पक्ष जो भी है उसे निपटारा सुलझ जाएगा।